अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए व्लॉग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं व्लॉग की तरफ। जी मैं खा रही हूँ वाटरमेलन, यानी कि तरबूज, जो कि बहुत 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 बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, हमारे इंटरनल इश्यूज के लिए। सो प्लीज़ गाइस, वाटरमेलन डेली खाएं। चलो जी, ये घर के काम स्टार्ट हो चुके हैं। ये है ग्रेन होल व्हीट आटा, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डेली बेस पर। बहुत अच्छा है, हम लोग यूज़ करते हैं, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं काट रही हूँ इसको, पैकेट को आटा गूंदने के लिए खोल रही हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ एक हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करना था। यहाँ जी चल रही है तेज ठंडी हवा, गर्मी वाली। और ये जी मैं कर रही हूँ चावल बॉयल, क्योंकि हम लोगों ने बनाई थी कड़ी और इसके साथ किए थे चावल बॉयल, क्योंकि कड़ी चावल तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं चावल बॉयल। ये रही जी आप सबकी फेवरेट कड़ी और मेरी भी। अब जी मैं इनको निकालने लगी हूँ खाने के लिए, और ये रही मेरी प्लेट जिस पर चावल और कड़ी शामिल हैं। अब जी मैं निकाल रही हूँ सारा खाना एक डिब्बों के अंदर, और जी उनको लगाऊंगी फ्रिज में, यानी कि उनको फ्रिज में रखूंगी ताकि वो बाहर बड़े बड़े ख़राब ना हो जाएं। ये कर दिया जी डिब्बा बंद, और जी ये देखें कड़ी डाल दी है डब्बे में, और साथ ही साथ इसका भी डब्बा कर दिया है बंद। अब जी मैं इन दोनों को फ्रिज में रख रही हूँ। ये गए दोनों जी, गए गए। ये है जी मेरी चाय, जो कि बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। वो ठंडी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने ठंडी की है। अब जब चाय आगे रख के मोबाइल को पकड़ लेंगे तो चाय तो ठंडी ही होगी। और जी इसके साथ जी अब मैं खाने लगी हूँ कैंडी बिस्किट। दोबारा से बता देती हूँ, वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है। जी कैंडी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कैंडी बहुत शौक से खाती हूँ इसकी चाय के साथ। फोकस नहीं कर रही है, फोकस फोकस फोकस, अब किया है फोकस। या और ये है सौंफ और पुदीने का पानी, क्योंकि मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये पानी बना कर पीती हूँ। इससे मुझे बहुत जो है रिलीफ मिलता है, ठंडा ठंडा फील होता है अंदर स्टमक में, इसलिए मैं ये बना रही हूँ पीने के लिए। और ये कोई वेट लॉस ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इसको वेट लॉस ड्रिंक में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ये जस्ट मैं स्टमक इशू की वजह से कर रही हूँ। वो भी अब हर किसी के लिए तो बेनिफिशियल नहीं होगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसे यूज़ करे और फिर उसके बाद नाम मेरे ऊपर डाले कि मैंने रिकमेंड किया था। रिकमेंड बिल्कुल नहीं करी मैं, स्टाफ उनको अपना वे लोग दिखा रही हूँ कि मैंने ये कुछ किया है। ज़्यादातर मैं घर के काम में ही बिज़ी रहती हूँ, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर खाना वगैरह बनाना, कुछ नया करना, वीडियोस वगैरह बनाना, एडिटिंग वगैरह, बर्तन धोना, ये सब इसमें शामिल है, घर के कामों में ही आता है। सॉरी जोक्स अपार्ट, ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं ये एग्जॉस्ट चल रहा है, इसको हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इग्नोर मारें। और अब जी मैं आपको दिखा रही हूँ मिस रोज के प्रोफेशनल मेकअप के लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, जो कि मैंने स्वैच किए हुए हैं।
कलर इतने अमेजिंग हैं कि अगर आप इनको रिमूव भी करते हैं तो ये आपके लिप्स पर जो है टिंटेड लिप्स की तरह टिंटेड कलर छोड़ जाते हैं लिप्स पर। ये है नंबर 1 जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हैं जी तीनों मैट लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड आई लव दिस। अब जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ उनको अपने फिंगर पर रब करके भी, लेकिन ये देखिएगा लिक्विड हैं, मैट हैं, मैट लिक्विड हैं, इसलिए बिल्कुल भी जो है उतरेंगे नहीं। ये देखिए आपके सामने, मुझे अक्सर यही इशू रहता था कि मैं लिपस्टिक्स वगैरह लिप ग्लॉस वगैरह लगाती थी और पानी पीते या कुछ करते खाते पीते उतर जाते थे, बट ये बहुत अच्छे हैं जी। ये वीडियो है जी, हम लोग खरीदने गए थे एम्पोरियम, तो वहाँ की वहाँ पर ये बहुत बड़ा एम्पोरियम रखा हुआ था, तो हम लोग उसकी ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है। इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और हर साइज में हर शेप में इनके पास फिशेस थी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मुझे वैसे भी बहुत शौक है फिशेस का, बर्ड्स का, इसलिए हम लोग घर में लाजमी रखते हैं। ये है दूसरे फिशेस जो कि वहां पर थी, ये भी उस जैसी थी बट इनका कलर थोड़ा चेंज था, ये वाइट कलर में है। ऑफ कैसे खेल रही है पानी में, वैसे मुझे इनको हाथ लगाते हुए बहुत डर लगता है बट प्यार बहुत ज्यादा है इनसे। बस वहां वहां मैंने फुटेज रिकॉर्ड की है जहां पर लाइट थी, क्योंकि वहां पर लाइट का थोड़ा इशू था, जहां लाइट थी मैंने बस वहां के फुटेज ले ली। वाह कितनी प्यारी लग रही है एक साथ ही ज्यादा। ये देखें ये अलग पेयर है, ये अलग है और ये अलग है। वाह क्यूट। ये जी हमारे घर में आ चुका है सेटिंग। जी जी नीचे से कुछ ऐसा दिखता है, इसकी चौंकी है जो कि नीचे या ऊपर इस तरह से दिखता है, और ये इसमें एक साइड पर जो जैसे वो कुएं में लगा होता है कि इसको राउंड फोल्ड होता है तो पानी ऊपर आता है, बट इसमें छोटी छोटी बाल्टी में लगे होते हैं, जो भी आई डोंट नो क्या इसको कहते हैं, बट बहुत पसंद लगा। ये है दूसरी साइड से, इसमें ये एक पंप भी लगा हुआ है जिससे पानी में जो पानी हिलता रहता है ऑक्सीजन आती रहती है और मछली मरती नहीं है। चलें जी प्यार से मटर वाले भाई तो आ गए हैं हमारी वीडियो को खराब करने के लिए, तो हम जल्दी से कर लेते हैं जरा आवाज बंद। और जी ये देख रहे हैं ये शेल्स पे पड़े हुए हैं, इसमें कितने प्यारे डेकोरेशन की चीजें भी हैं, और ये जी ऑक्सीजन से आपको पता है कैसे पानी में ऑक्सीजन रहती है तो मछलियाँ जिंदा रहती हैं। इसी के साथ जी अब हमारी वीडियो के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है, अलविदा का वक्त आ चुका है। मेरी पहली भी यूट्यूब वीडियो जो जाने वाली है इतनी लंबी, उसी के साथ ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।